सब्सक्राइब कीजिए द फातिमास किचन को वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ में परवर और आलू की सूखी चटपटी सी सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप किए बिना देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है, वरना कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी तो रेसिपी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं परवर आलू की चटपटी सी सब्जी। तो यहाँ पे देखिए 250 ग्राम मैंने परवल लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली हूँ और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए परवल की जो सब्ज़ी है कुछ लोग छिलके के साथ बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग छिलके पूरी निकाल के बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़े से छिलके इसमें रख दिए हैं या थोड़े से रिमूव कर लिए हैं। अगर आपको पूरे छिलके रखना है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, और अगर आपको छिलके नहीं चाहिए तो आप पूरे छिलके निकाल के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो और आप देखिए मैंने इसे कट कर ली हूँ और अंदर से जो बीजे हैं वो पक चुके हैं, वो पीले दिखाई दे रहे हैं। तो ये पीला वाला पोर्शन मैं इसका अलग कर दूंगी और जो बाकी के जो परवर मैं अभी कट करूंगी अगर उसमें भी पीला पोर्शन होगा तो मैं उसे अलग कर दूंगी। आप अगर बनाते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने परवर के साथ में आलू को भी कट करे हैं सेम जिस तरीके से मैंने परवर कट किए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ परवर जो हैं वो अंदर से पके नहीं हैं तो उनके बीजे मैंने रहने दिए हैं। और अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दी हूँ और तेल को अभी हम गर्म कर लेंगे। और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें परवर और आलू डाल देंगे और दोनों को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। और आलू की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, 2 मीडियम साइज़ के आलू है। जैसा हमने परवर को कट किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आलू को भी कट किए हैं। और दोनों को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद में यहाँ पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। आप चाहे तो हाई फ्लेम में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मीडियम फ्लेम में मैं इसे चम्मच चलाते हुए फ्राई करती जा रही हूँ। तो अब देखिए जो हमारे परवर और आलू है अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन परवर और आलू को मैं निकाल दूंगी और इसे साइड रख दूंगी। अब जो तेल बच गया है उसी तेल में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 तेज़ पत्ते, और तेज पत्ते को हल्का सा मैं फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके डाली हूँ। आप चाहे तो पेस्ट बना के भी प्याज को डाल सकते हैं। और अब प्याज को मैं फ्राई कर लेती हूँ हल्की सुनहरी हो जाने तक के लिए, मीडियम या हाई फ्लेम आप जैसा चाहे वैसा इसे फ्राई कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरीके से हमें गोल्डन हो जाने तक के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए जो हमारी प्याज है वो फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैं। लहसुन और अदरक को हम कम से कम 30 से 40 सेकंड तक के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो चली जाए। और हमेशा लहसुन अदरक को मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में भूनिए क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो यहाँ देखिए लहसुन अदरक पूरी तरीके से भुना गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसे मैंने चॉप करके इसमें डाली हूँ। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर से एक बार सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, जो कि जाएगा हमारे टेस्ट के मुताबिक। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो टमाटर है नमक डालने से बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए टमाटर में नमक हम डाल देते हैं। तो 1 मिनट लगा है, देखिए जो टमाटर है वो पूरा गल चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ लाल सूखी मिर्चें और इसके साथ में 2 हरी मिर्ची भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें 1 छोटा चम्मच, और साथ के साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। ये मिर्ची जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा तीखी है इसलिए मैं 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपकी मिर्ची कम तीखी है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्ची कम या ज़्यादा वैसे कर सकते हैं। और सब चीज़ों को डालने के बाद में मैं अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भूनती जा रही हूँ अभी मीडियम फ्लेम में। हाई फ्लेम अभी मैंने नहीं किया है, लो टू मीडियम फ्लेम में सब चीज़ों को भून रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जल ना जाए। 1/2 कप पानी मैंने इसमें डाली हूँ और फिर से एक बार सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। और लो टू मीडियम फ्लेम में ही अभी मैं इसे भूनती भी जा रही हूँ। तो 1 मिनट तक के लिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से भून ली हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ परवर और आलू जिसे हमने फ्राई करके रखे थे, और इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही यमी ये रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती ना तो लाइक ज़रूर दीजिए क्योंकि आप लोग लाइक देना हमेशा भूल जाते हैं। तो मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैंने इसकी लीड लगा दी हूँ और 5 मिनट तक के लिए मैं इसे बिल्कुल धीमी आँच में पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और मैं अभी
परवर और आलू दोनों को चेक कर लेती हूँ, ये गले हैं कि नहीं गले हैं। आपका परवर आलू जब तक नहीं गल जाता है तब तक आप इसे धीमी आंच में पका सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच है ये, घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है ये। और साथ में ये है जीरा और काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा है, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च है, दोनों को मैंने क्रश कर ली हूँ और उसी पाउडर को मैंने इसमें डाली हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो देखिए चटपटी सी हमारी परवर और आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है, और साथ में थोड़ा सा धनिया की पत्ती भी मैं इसमें डाल देती हूँ, जिससे खुशबू और इसका कलर काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। सो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।